हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएफएससी फिशरीज ऑनलाइन क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर ब्रीडिंग एंड सीड प्रोडक्शन ऑफ फिन फिश एंड सेलफिश। ये एक पीसी थॉमस की बुक है, जो कि जो भी लोग अभी बीएफ फिशरीज के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब आगे जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन के लिए, जो 2023 में एग्ज़ाम होगा उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जैसा कि आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे देखा होगा कि हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं इस बार जितने भी चैप्टर्स हैं उसको क्लियर किया जाए, जैसे हैंडबुक ऑफ फिशरीज, पीसी थॉमस, बालाचंद्रन, इन सब के मतलब यूट्यूब चैनल पर सारे लेक्चर्स अवेल कराए जाएँ, ऐसा सोचा गया। तो फिर इसके लिए आज एक चैप्टर ब्रीडिंग एंड सीड प्रोडक्शन ऑफ फिन फिश, और कोशिश यही रहेगी कि इस बार सारे लेक्चर्स ऑनलाइन हो, तो क्योंकि बहुत लोग ये बोल रहे थे कि हिंदी में लेक्चर हो, इसीलिए ये लेक्चर हिंदी में है, और आगे अगर हिंदी में ही सबको ठीक लगेगा तो फिर हिंदी में ही होगा। तो फिर ये ब्रीडिंग और सीड प्रोडक्शन का चैप्टर है, ये बुक का ही कंटेंट है, तो क्योंकि एग्ज़ाम में तो ऐसा बोलते हैं कि सब क्वेश्चंस बुक में लाइन बाय लाइन है, तो इसलिए ये कंटेंट बुक से थॉरली लिया गया है। ये सारा कंटेंट पीसी थॉमस के बुक चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन फिशेस का है, दो ये हम आपको रीड करना है, बट आई एम हेयर ओनली टू मेक यू नो दैट वॉट लाइन यू हैव टू रिमेंबर, सो इसलिए ये लाइन टू लाइन दिया हुआ है, जस्ट टू मेक वेयर विच लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट रिप्रोडक्शन फिशेज में इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे तो लिविंग स्पीसीज हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट बहुत सारे लिविंग स्पीसीज है, जिसमें 21,723 लिविंग स्पीसीज मैंशनड है, जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं इन जियोमेट्रिक रेशियो, मतलब रिप्रोडक्शन का अगर रेशियो देखा जाए तो जियोमेट्रिक रेशियो में रिप्रोडक्शन होता है। पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे यूनिसेक्सुअलिटी, बायसेक्सुअलिटी, हर्मोफ्रोडिटिज्म, पार्थिनोजेनेसिस, ये सारे वे हैं, मतलब किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अलग अलग स्पीसीज में हर कुछ डिफरेंट डिफरेंट देखा जाता है। तो जिंगरन और गोपाल कृष्णन की जो बुक है, जो कि मोस्टली माना जाता है कि ये बेस्ट बुक है, वो 1974 में इस बुक में मेंशन्ड हुआ है कि 314 स्पीसीज जो टेलियोस्ट के हैं उसका उसमें मेंशन है कि वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। फिशिंग नेचुरल हैबिटेट से करना, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना, और ज़रूरत क्या है कि ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ हो जैसे नेचुरल रिसोर्स के अलावा भी हम लोग उसको यूज़ कर सके, जैसे कि हैचरीज मेंटेन करना, उससे उस रिसोर्स को यूज़ करना, तो उससे क्या होगा, हमारे नेचुरल रिसोर्स में सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करना, ये बेसिक है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक क्वालिटी ऑफ सीड की, जैसे फीड ज़रूरत है, सीड ज़रूरत है, तो ये सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो इसके लिए एसेंशियल क्या होता है कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि वो स्पीसीज का सेक्सुअलिटी क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, कैसे है, मतलब हम लोग स्पीसीज के दूसरे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ शो हो रहा है, फिर उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल, टाइम, सीजन, ये सारे, और फिकंडिटी। फिकंडिटी मतलब कि उसमें क्या एग का प्रोडक्शन है, रेट ऑफ एग प्रोडक्शन। तो फिर ये सारे हुए, उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट, ये जितने भी फर्स्ट पैरा के बारे में है वो सारा अभी हम आपको बताएं। फिर नेक्स्ट क्या है, सेक्सुअलिटी इन फिशेस, यूनिसेक्सुअल फिशेस, जैसे ऑफस्प्रिंग ऑफ जिसमें एक ही सेक्स के ऑफस्प्रिंग पाए जाते हैं, जैसे पोएसिलिया, सबको पता होगा पोएसिलिया फॉर्मोसा, इनके सिर्फ फीमेल स्पीसीज मिलते हैं। तो ये सबसे पहले हब्स एंड हब्स एक साइंटिस्ट हैं जिनने पहले इंट्रोड्यूस किया, देन मेटिंग हुआ इस वन स्पीसीज का विद द अदर स्पीसीज, दैट इज पोएसिलिया फॉर्मेटा मेट्स विद पोएसिलिया लैटिपिना और पोएसिलिया मैक्सिकाना। तो ये जो पोएसिलिया लैटिपिना है इसके सिर्फ मेल स्पीसीज मिलते हैं। देन व्हाट हैपेंस इज कि इनमें जब मीटिंग हुआ
Though sperm only triggers the process of development of egg, male do not fuse with the female genome. तो इसमें यही हुआ कि इसमें जीनोम एक्सचेंज नहीं, मतलब एक उसमें जाकर मेल का जीनोम नहीं गया, बस वो ट्रिगर करता है प्रोसेस को, जिससे क्या हुआ, जो ऑफस्प्रिंग हुआ वो उसको हम लोग कहेंगे गायनोजेनेटिक, क्योंकि इसमें सिर्फ फीमेल के जीनोम है. देन ऑफस्प्रिंग इज सेड टू बी अ गायनोजेनेटिक ऑफस्प्रिंग. गायनोजेनेसिस इज रिपोर्टेड इन सिल्वर क्रूसिन कार्प. सो ये सारे पॉइंट रिमेंबर रखने वाले हैं कि गायनोजेनेसिस किस में रिपोर्टेड किया गया है. तो ये हुआ. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बाईसेक्सुअल, मतलब गोनोकोरिज्म इसको कहते हैं. तो ये इम्पोर्टेंट है याद रखना कि गोनोकोरिज्म इज बाईसेक्सुअल फिशेज, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल स्पीशीज हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम के लिए वो स्पीशीज बाद में हो सकता है कि फीमेल में वो बदल जाए, पहले वो मेल हो, ऐसा भी होता है. जैसे उसमें क्या होगा, अनडिफ्रेंशिएटेड गोनोकोरिस्टिक फिशेस और एक होता है डिफ्रेंशिएटेड गोनोकोरिस्टिक फिशेस. यहाँ पे एक जेनेटिक रिच होता है जिसको जेनेटिक प्लास्टमा भी कहते हैं, और ये मेड्यूलरी पोर्शन इसमें नहीं है. तो इन स्पीसीज में क्या होगा कि मेड्यूलरी पोर्शन नहीं होगा. इसमें क्या है, अदर एनिमल में टेस्टिस डेवलप होता है, तो टेस्टिस डेवलप होगा तो वो मेड्यूला से होगा, और ओवरीज डेवलप होता है कॉर्टेक्स से, लेकिन यहाँ जो फ्यूचर ओवरी और टेस्टिस है वो सेम कॉर्टेक्स से डेवलप होगा. जब हम मतलब ये जो गोनोकोरिस्टिक है, ये दो टाइप के होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड गोनोकोरिस्टिक और एक होता है डिफ्रेंशिएटेड गोनोकोरिस्टिक. जब हम अनडिफ्रेंशिएटेड गोनोकोरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि रिमेन इन डिफरेंट स्टेज, फर्स्ट डेवलप होता है ओवरी में, देन इनटू इधर ओवरी और टेस्टिस, जैसे कि ये मिलता है एंगुला एंगुला में या साल्मो गैड गैडनेसिस स्पीसीज में ये मिलता है. फिर दूसरा है डिफरेंशिएटेड गोनोकोरिस्टिक, ये है इन डिफरेंट स्टेज, मतलब डायरेक्टली डेवलप इनटू ईदर टेस्टिस और ओवरीज. तो यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि अनडिफरेंशिएटेड गोनोकोरिस्टिक एग्जांपल क्या है और डिफरेंशिएटेड गोनोकोरिस्टिक के एग्जांपल क्या है. तो डिफरेंशिएटेड में एग्जांपल है प्लैटीफिश एंड मेडेका, और मेन इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि साइंटिफिक नेम उसका याद किया, मतलब हमेशा रखा जाए. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इस बुक में मेंशन किया गया है. तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि इसके एग्जांपल, तो नोट करने वाली यही सब बात होती है. तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको बस क्लियर करके रखना है कि इसका कौन सा एग्जांपल है. बस हर्माफ्रोडाइटिज्म में क्या होगा, इसका नेक्स्ट होता है, जैसे हम अभी यूनिसेक्सुअलिटी देखें, फिर बाईसेक्सुअल देखें, फिर तीसरा होता है हर्माफ्रोडाइटिज्म, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम इंडिविजुअल में हो, तो हम लोग उसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइटिज्म. तो वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंक्रोमस हर्माफ्रोडाइटिज्म और एक होता है मेटागोनस, यानी इसको और भी नेम है एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल और कॉन्जिक्यूटिव, मतलब मेटागोनस को ही ये सब नाम दिया गया है. तो ये इम्पोर्टेंट है टू रिमेंबर. सिंक्रोनस मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब एक ही साथ, मतलब मैच्योर होंगे एक ही समय में, तो फिर उसको कहते हैं सिंक्रोनस. एसिंक्रोनस मतलब ईदन मेल और फीमेल डेवलप एट द सेम टाइम. तो मतलब या तो मेल है या तो फीमेल डेवलप होंगे सेम टाइम में, तो उसको हम लोग कहते हैं एसिंक्रोनस. तो उसके बाद होता है प्रोटागाइनस हर्माफ्रोडाइटिज्म. यहाँ एक है सेक्स रिवर्सल, मतलब पहले फीमेल है और उसके बाद कन्वर्ट हो जाएंगे मेल में. जैसे एसिंक्रोनस में यह है कि इधर मेल और फीमेल है डेवलप एट द सेम टाइम, और उसके बाद सेक्स रिवर्सल होगा. इसमें क्या होता है, ATZ एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 13 फैमिली ऑफ टेलियोस्ट को आइडेंटिफाई किया, जिसमें 5 ऑर्डर्स थे एग्जिबिटिंग हर्माफ्रोडाइटिज्म, जिसने हर्माफ्रोडाइटिज्म को शो किया. एंड द मेन ग्रुप्स आर 4 फैमिली ऑफ ऑर्डर पर्सिफॉर्मिस,
जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन कौन से फैमिलीज हैं जो प्रोटोगाइनस हर्माफ्रोडाइटिज्म शो करते हैं। उसमें है सेरानिडी, स्पैरिडे, सेंट्राकैंथिडे एंड लैब्रिडे एंड फोर फैमिलीज ऑफ ऑर्डर मैक्टोफाइफॉर्मिस एंड फ्यू स्पीसीज ऑफ ऑर्डर साइप्रेनी ओडोंटिफॉर्मिस एंड स्टोमेटिड्स ऑफ सैल्मोनिफॉर्मिस एंड फ्यू स्पीसीज ऑफ ऑर्डर सिनब्रैंकिफॉर्मिस एंड स्कॉर्पेनीफॉर्मिस। और ये है हर्माफ्रोडाइटिज्म, मतलब एक मेल और फीमेल सब एक में। फिर है नेक्स्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब ये तो हो गया प्रोटोगाइनस हर्माफ्रोडाइटिज्म हम बताए, और प्रोटा एंट्रस मतलब पहले मेल होंगे, उसमें क्या होगा जायंट पर्च और सीबा जैसे लेट्स कैलकैरिफर और फैमिली सेंट्रोपोमिडी ऑफ ऑर्डर पर्सिफॉर्मिस कमर्शियली इम्पॉर्टेंट फिश ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस इज अ प्रोटेंड्रस हर्माफ्रोडाइट। और इसका एग्जांपल याद रखना कौन सा, ये कॉन्सिक्यूटिव हर्माफ्रोडाइटिज्म यानी सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म के एग्जांपल है, मतलब इसके टाइप है दोनों। तो ये इम्पोर्टेंट है रिमेम्बर करने के लिए कि मतलब एसिंक्रोनस यानी कॉन्सिक्यूटिव हर्माफ्रोडाइटिज्म क्या है और इसके एग्जांपल क्या है, मतलब क्योंकि इसमें तो बताया गया ना कि इधर मेल और फीमेल डेवलप एट द सेम टाइम, लेकिन सिंक्रोनस में क्या था कि मेल और फीमेल दोनों एक ही समय में मैच्योर होते। इसमें क्या है, पहले मेल होंगे उसके बाद फीमेल में कन्वर्ट होता है, लेकिन जिसमें अगर पहले मेल में आए तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोटो एंड्रस, अगर पहले फीमेल है तो प्रोटोगाइनस। फिर नेक्स्ट होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ये कंटेंट बुक से लिया हुआ है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट पुट द कंटेंट इट्सेल्फ। देन है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब इसमें क्या है कि फिशेस एग्जिबिट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मतलब जैसे कि हम लोग उसको कैसे डिफरेंस कर सके, इसलिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि दे आर डिसर्नेबल थ्रू आउट लाइफ स्पैन वेयर एज इन सम अदर दे आर ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, मतलब कुछ होते हैं वो पहले लाइफ स्पैन में पहले ही अपना बताते कि मतलब किस तरह हम लोग उसके सेक्सेस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और किसी किसी में ब्रीडिंग समय में ही हम लोग उसको समझ पाते कि ये मेल है और ये फीमेल है ऐसा। तो इसका है जैसे कि साइज ऑफ फिशेस, कुछ कुछ स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है तिलापिया का, जिसमें कि सबको पता है कि इसमें मेल फास्टर ग्रोथ करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर ब्रीडिंग मेल का ही होता है तिलापिया में, तो मेल का फास्टर ग्रोथ होता है देन कंपेयर टू फीमेल, लेकिन जो मेजर कार्प होते हैं उसमें फीमेल का ग्रोथ फास्टर होता है कंपेयर टू मेल। उसी तरह किसी किसी मेल में डॉर्फ मेल्स होते हैं, तो डॉर्फ मेल्स जो होते हैं वो किस में देखे गए हैं, फ्रेश वाटर सैल्मोनिड्स में ये सब पाए जाते हैं, सैल्मोनिड्स में डॉर्फ मेल होते हैं। अगर एंगलर फिश की बात करें तो उसमें जो डॉर्फ मेल होते हैं दे आर डीप सी फिश दैट लिव एज अ पैरासाइट, तो वो पैरासाइट के जैसा फीमेल के बॉडी में चिपके होते हैं। Larger size of male is considered a protective adaptation as the male play an active role in parental care. तो इसमें बोल रहे हैं कि male भी जो होते हैं वो लार्ज साइज़ के भी होते हैं, तो ऐसे केस में वो एक तरह का प्रोटेक्टिव केयर दिखाते हैं एज अ पेरेंटल केयर दिखाते हैं, जिसमें मेल लार्ज साइज़ के होते हैं। उसी तरह लेंथ शेप और टेक्सचर ऑफ फिन्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे कि जब हम लेबियो डेरो को देखें तो उसका जो डॉर्सल मेल फिन होता है मेल में इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल, मतलब डॉर्सल फिन मेल में इलोंगेटेड होता है इन द फॉर्म ऑफ लोब, जो कि फीमेल में ऐसा नहीं होता है, मतलब इतना इलोंगेटेड नहीं होगा लेबियो डेरो में। उसी तरह फेंटल डार्टर जो होते हैं उनके जो डॉर्सल फिन होंगे उसका स्पाइंस का एंड फ्लैशी नॉब्स की तरह होता है लाइक अ क्लब मेल के केस में, और वो फीमेल में एब्सेंट होता है। तो इस तरह आइडेंटिफिकेशन होता है, किस तरह हम उसके मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरह टिबेटियन लोच जो होते हैं
उसको हम लोग कहते हैं नेमाचिलस स्टोली लीसल। ये जो होते हैं, अगर बुक होगा आपके सामने तो प्लीज़ ओपन दैट बुक सो दैट यू कैन सी फ्रॉम वेयर आई एम स्टडिंग एंड वेयर यू हैव टू स्टडी। इफ़ यू आर गोइंग टू मेक इट सीरियस देन यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट एज वेन आई एम स्पीकिंग देन ओनली यू विल रिमेंबर इट ऑल। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग इट सीरियस देन यू हैव टू वंस अगेन स्टडी द सेम टॉपिक एंड द सेम टाइम यू हैव टू स्टडी ओनली बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इन टू द 2023 JRF देन यू हैव टू स्टडी दिस बुक बिकॉज दिस बुक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट PC Thomas एंड द सिमिलर इज विद बालाचंद्रन हैंड बुक एंड मोर बुक्स आर देयर लाइक RK Rath इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड वंस अगेन आई विल से ई कोर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम। सो यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग एंड इन एवरी बुक्स दे आर गिवन द सेम थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर बट यू हैव टू इलोंगेट इट एंड देन स्टडी बिकॉज नथिंग कैन बी अचीव इन शॉर्टकट फॉर्म। सो यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। सो इन केस ऑफ मेल बट इन फीमेल इट वॉज एबसेंट टिबेटियन लोच आई हैव ऑलरेडी स्पोक। देन इन केस ऑफ टेंच दैट इज टिनका पेल्विक फिन ऑफ मेल हैज़ स्ट्रॉन्ग स्पाइंस विच आर नॉट फाउंड इन फीमेल। तो टिनका में क्या होगा, टेंच जो होते हैं उसमें पेल्विक फिन स्ट्रॉन्ग स्पाइंस होते हैं उसमें, और जो पेक्टोरल फिन होते हैं वो लार्जर होते हैं मेल में एंड ऑल्सो रफ एट द इनर साइड ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन इन केस ऑफ मेजर का। इन मेल्स ऑफ लाइफ बियरर्स लाइक सॉ टेल लास्ट फिन रेज ऑफ एनल फिन ऑफ मेल इज मॉडिफाइड टू फॉर्म एन इंट्रोमिटेंट ऑर्गन गोनोपोडम। गोनोपोडम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर विच इज एबसेंट इन फीमेल। सो दिस इज इन केस ऑफ दिस मेजर कार्प्स पेक्टोरल फिन्स आर लार्जर इन मेल्स एंड इन रफ ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन इन केस ऑफ मेजर कार्प। इन मेल ऑफ लाइव बियरर के केस में गोनोपोडियम जो होता है वो पाया जाता है। शॉर्ट टेल लास्ट फिन रे ऑफ एनल, ये एनल फिन ऑफ मेल फिश में ये मेनली देखा जाता है और ये फीमेल में एबसेंट होता है। उसी तरह फिशेज बिलोंगिंग टू जेनिस सिडी एंड एनल लिपिडी एनल फिन इज मॉडिफाइड टू फॉर्म ट्यूब ओपनिंग विच वर्क एज पेनिस ड्यूरिंग मेटिंग। उसी तरह इनड्राउंड टेल पैराडाइज फिश मैक्रोपोडस एनल एंड डॉर्सल फिन आर पॉइंटेड इन मेल बट इन फीमेल दे आर समवॉट राउंडेड। सो ये सब इम्पॉर्टेंट है याद करने के लिए। और ये जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन फिशेस, हम कोशिश करेंगे 3 दिन या 4 दिन में कंप्लीट हो, क्योंकि एक एक करके अगर हम लोग सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। इसीलिए इसका मतलब एक टॉपिक का पार्टिकुलर जो कंटेंट है वो एज इट इज़ देखकर बस उसका एक शॉर्ट फॉर्म में बताया जा रहा है ताकि जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट कराया जा सके। और इसके साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका क्वेश्चंस टेस्ट भी लिया जाए। तो हम लोग हर हफ्ते इसका प्लान करेंगे। अगर आप लोग को सच में ये चाहिए देन यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू वांट द फुल लेक्चर्स देन आल्सो डू लाइक इट एंड कमेंट इट बिकॉज दिस ओनली कैन make some changes and this makes us feel proud that we are doing best. That's why this is coloration. And for the coloration I'm saying that how we will identify sexual dimorphism. तो coloration से भी sexual dimorphism यानी secondary के sexual characters देखते हैं। इसमें क्या होता है, different color pattern different sexes में मिलते हैं। जैसे during breeding season के समय male जो है वो ब्राइट कलर के पहचान में आते हैं। जैसे कि फिशेज ऑफ सैल्मोनिड्स में क्या होता है, मेल होते हैं वो ब्राइटर कलर के होते हैं। सिप्रिनिड्स में भी होते हैं मेल्स, और उसमें क्या होता है, मेल्स में ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द हेड
एंड इन मेनी एक्वेरियम फिशेज, जैसे सीआईएमएस जो होते हैं फाइटर फिशेज, उसमें क्या होता है, मेल्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड के होते हैं कंपेयर टू फीमेल। जेनिटल पैपिला की बात करें तो केस ऑफ फिशेज जैसे क्लैरियस हेट्रोपिनियोट्स एंड मेल्स हैव प्रोमिनेंट जेनिटल पैपिला पार्टिकुलरली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। और ये किस समय होता है, ब्रीडिंग सीजन में। तो ये इंपॉर्टेंट है रिमेम्बर करने के लिए कि क्लैरियस और हेट्रोपिनियोट्स में ये सब जेनिटल पैपिला मिलता है और ये मेनली ब्रीडिंग सीजन के समय होता है। और ये कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होगा बट स्मॉल और बटन शेप होता है मेल फीमेल में। तो ये सिलेंड्रिकल होगा मेल में लेकिन फीमेल में होगा बटन शेप का, मतलब वो बटन शेप का होता है। ओविपोजिटर क्या होता है, इसमें क्या होता है, फ्यू फिशेस लाइक जैसे बिटरलिंग्स जिसको हम लोग कहते हैं रोडियस सेरिसियस, इसमें क्या होता है, रेडी टू स्पॉन फीमेल्स। वो जो फीमेल जो उसमें स्पॉनिंग होना है, मतलब कि वो ब्रूडर्स हैं, वो डेवलप करेंगे पिंक ट्यूब्स जिसको हम लोग कहते हैं ओविपोजिट। और ये कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, फ्रॉम जेनिटल एपरेचर रीजन। और ये इसलिए यूज़ होता है लेइंग एग्स के, मतलब एग्स को ले करने के टाइम में वो यूज़ करते हैं पिंक कलर का ट्यूब, इनटू द मेंटल कैविटी थ्रू द इनहेलेंट साइफोन ऑफ फ्रेश वाटर मजल। तो ये मजल में ऐसा ओवी पॉजिटर उसको, मतलब ओवी पॉजिटर मतलब उसमें एग्स को डालने के लिए वो यूज़ करते हैं पिंक कलर का ट्यूब। जब हम लोग फ्रेश वाटर मसल में ये डालेंगे बिटरलिंग्स, उस समय इनकी जो फीमेल होंगी वो पिंक कलर का ट्यूब जिसको हम लोग ओविपोजिटर कहते हैं वो यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है शेप ऑफ हेड, इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल। तो इसमें क्या होता है, फ्यू स्पीसीज जो होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं सेक्सुअल डिफरेंसेस। और जैसे मेल जो सालमन होते हैं उसका जो स्नाउट होता है वो डेवलप लाइक अ हुक, वेयर एज इन फीमेल द सेम आर नॉट नोटिस्ड। तो हेड होंगे वो हुक के जैसा निकले हुए रहेंगे सालमन में, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। तो हेड यानी स्नाउट का जो रीज़न है वहाँ पे एक हुक की तरह होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं मेल है। और अगर फीमेल को आइडेंटिफाई करने हैं तो वो नहीं होंगे। तो इस तरह ये चैप्टर था जिसमें हम लोग देखें कि क्या सब होता है। इसके बाद जो है हमारा, फिर टेस्ट का की बात जहाँ तक है, फिर हम लोग इसके बाद टेस्ट भी लेंगे जो कि मे बी हर हफ्ते हो। तो इसके लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है और हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है उसके लिए वहाँ अपडेट्स होंगे। और अगर आप कोई सच में अच्छा लगा देन प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कोशिश यही है कि सारा चैप्टर्स कंप्लीट हो इस बार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंटिन्यू वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।